माता श्री गई हैं इमरजेंसी लाइट लाने के लिए, और ये देखो आ भी गई लाइट लेके। तो अब इस लाइट के भरोसे हम विसर्जन करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है सरस्वती पूजा का आखिरी दिन, यानी आज स्थापना कह रहे हैं, आज अंतिम है, आज वो विसर्जन है, एक तरह से कहते हैं, हाँ विसर्जन कहते हैं, तो विसर्जन है आज। तो नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ, तो चलो पहले विसर्जन करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। बाकी माता श्री यहाँ लगी हुई हैं कपड़े धोने में, तो माता श्री चलिए। तो यहाँ पे जल लेके हम आ चुके हैं, और एज यूजुअल यहाँ पे अंधेरा है, बट यहाँ पे लाइट है नहीं, क्योंकि इन भाई साहब में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रहा है। तो माता श्री गई हैं इमरजेंसी लाइट लाने के लिए, और ये देखो आ भी गई लाइट लेके। तो अब इस लाइट के भरोसे हम विसर्जन करेंगे। फाइनली विसर्जन हो चुका है, और ये रहा हमारा कलम और लेखनी जिसे कहते हैं, और साथ में हमारी नोटबुक जिसमें हमने पूरे सेमेस्टर का सब कुछ लिखा है। तो अब इसे पढ़ते हैं। ऐसा मान्यता है कि इसे पढ़ने से सरस्वती जी मतलब आ जाती हैं। तो गौ माता आई हैं, तो चलो इनको रोटी खिलाते हैं। कहाँ है, ले ले। ये जो आंटी आशीर्वाद दे दो, पैकेट करके देना। तो अभी 1 बजने वाले हैं और मेरे को भूख लग रही है, तो माता श्री ने ऑफ़र किया था कि ऑमलेट बना लो, तो माता श्री तो अपना गई है वर्कआउट करने के लिए, और हम चलते हैं ऑमलेट बनाने का प्रोसीडर शुरू करते हैं, यानी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो टमाटर तैयार है छोटे छोटे पीसों में कटने के लिए, तो चलो इसको काटते हैं पहले, और फिर उसके बाद तो एनआर चालू होते हैं, फिर एनआर रख लियो। अब ऐसा करो, तो मुहने भैया चामड़ा नहीं देखो, बाकी एक अभी मैं देखो भी प्लेट में। बस करो, तो यहाँ पर हमारा अंडे का मसाला डाल के सब कुछ तैयार है। उधर हमारा ये, अब इन दोनों को जल्दी से इसको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि भूख लगी है भाई साहब, भूख लगने के साथ यहाँ पर मम्मी अपना चावल बना रही हैं, और हम खाएंगे ऑमलेट। तो हमारा ये जो मैंने बनाया था ये तो बन गया, मम्मी से थोड़ा टूट फूट सा गया, बट कोई ना, खा ही लेंगे इसको भी। और आखिरी बन रहा है अभी, और ये देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। तो भाई साहब सर्दी हो गई, लेकिन यहाँ पे खड़े रहते रहते मतलब तो इतना धुआं सा आ रहा था ना, तो उससे हो गई। तो इसको भी होने देते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारा 3 का 3 ऑमलेट रेडी हो चुका है, और यहाँ पे माता श्री जला हुआ है, और माता श्री यहाँ पे खा रही हैं अपना दाल चावल लिए, सब्जी और चावल। तो हम भी खाते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, और अभी भाई का वीडियो कॉल आया था, तो थोड़ी देर बातचीत चली। तो अब चलते हैं, वहाँ का प्लान बन सकता है, न्योता आया है। तो अभी 5 बज रहे हैं, और हर बार की तरह फिर मैं खा पी के मैं सो गया था, और सो के उठाऊँ, और अब चल रहे हैं श्रेय के घर। थोड़ा इधर उधर घूम के आते हैं, घर में तो बोर हो जाते हैं कि दिन भर एक ही घर में रहना अजीब सा लगता है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा उधर उधर घूम फिर के आते हैं, और गंगानगर तक टहल के आते हैं, फिर वापस आएंगे घर, और फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर पार्क में बैठने के बाद हम वापस घर से निकलते हैं, और फिर घर पर अपना बैठ के फिर वापस से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। बाकी ठंड भी तो बढ़ती जा रही है, चलो निकलते हैं भैया। तो अब बारी आ चुकी है खाना खाने की, और आज हमारे खाने में है मूंग का बॉइल्ड मूंग, और साथ में हमारे लिए सब कुछ जो इसमें ऐड करेंगे हम। तो अब इसे खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है मूंग से रिलेटेड, ये मेरे को इतनी पसंद है कि क्या ही बताऊँ मैं।
तो इसे खाना है और फिर उसके बाद देखते हैं। तो हमारा रोटी भी गर्म हो चुका है और अब खाना तैयार है, और अब चलो इसे खाते हैं। फिर उसकी बात करेंगे एडिटिंग, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। खाना हो चुका है और अब चलेंगे सोने के लिए एडिटिंग करके। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना उतना शेयर करो और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। मतलब देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये गलत बात है, कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तुम लोग करते नहीं हो। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।